तो दोस्तों क्या आप जानते हो कि आपके आइडेंटिफिकेशन के साथ, आपके आधार कार्ड के साथ अभी करेंटली कितना सिम एक्टिवेटेड है एंड कितना सिम करेंटली अभी यूज में है? अगर ये सारी बात आप जानते हो तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हो कि दोस्तों आपके इस आधार कार्ड के साथ, आपके आइडेंटिफिकेशन के साथ अभी करेंटली कितना सिम एक्टिवेटेड है या फिर कितना सिम अभी यूज में है, अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो शायद से दोस्तों फ्यूचर में आप एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो एंड बात यहाँ तक पहुँच सकती है कि शायद से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं बेफजूल ये बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है पास्ट में कभी आपके पास बहुत सिम होगा, दो चार आपके पास सिम होगा एंड घर में आपका कहीं सिम रखा होगा एंड इधर उधर खो गया होगा एंड आपने उस सिम को इग्नोर कर दिया होगा, चलो घर में ही होगा कहीं पर रखा होगा, इस टाइप का कुछ चीज़ हो सकता है या फिर आपका सिम खो गया होगा। तो इस तरह की चीज़ के अगर आपने उस सब सिम को इग्नोर कर दिया है एंड आपको लगा वो सब सिम बंद हो गया है एंड मे बी शायद हो सकता है कि वो सिम अभी भी चालू हो एंड उस सिम के साथ दोस्तों कहीं कोई बंदा फ्रॉड कर रहा होगा, कोई बंदा इलीगल काम कर रहा होगा, जैसे कि आपको पता है कि अभी कितना टाइप का इलीगल काम होते हैं फ़ोन के द्वारा, तो शायद से हो सकता है कि आपके सिम के साथ वो इलीगल हो सकता है, तो कुछ इलीगल आपके सिम के साथ वो कर रहा होगा। तो जैसे ही दोस्तों वो बंदा फंसेगा तो पहला चीज़ क्या होगा, पहले तो यही स्टेप उठाया जाएगा कि वो सिम किसका है, पहले सिम वाले को आप पकड़ो, जिसका भी सिम है पहले उसे आप उसके बारे में निकालो डिटेल्स एंड उसे पकड़ो। तो जैसे ही दोस्तों उस सिम का डिटेल निकाला जाएगा, नाम तो आपका आ जाएगा एंड आप फंस गए एंड इसी तरह से आप जेल जा सकते हो एंड शायद से दोस्तों मज़ा तो वो ले रहा है, मज़ा तो पैसा वो कमा रहा है एंड जब फंसने की बारी आई तो दोस्तों उसका तो कुछ जाएगा नहीं, डायरेक्टली से आपका नाम है, आप जेल चले जाओगे। तो इसीलिए बोलता हूँ बस 2 मिनट निकालो आज के वीडियो में एंड आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि लाइव आप किस तरह से चेक कर सकते हो कि आपके आधार कार्ड के साथ, आपके आइडेंटिफिकेशन के साथ एंड अभी लाइव कितना सिम एक्टिवेटेड है एंड कितना सिम यूज में है। अगर उस सारी लिस्ट में कोई ऐसा भी नंबर है जो आपको लगता है कि मेरे पास नहीं है, वो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ बट अभी तक एक्टिवेटेड है, तो करेंटली दोस्तों तुरंत आप उस पर एक्शन लो एंड तुरंत मैं बताऊँगा किस तरह से आप एक्शन लेके उस सिम को ब्लॉक कर सकते हो। बस 2 मिनट निकालो, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, चले करते वीडियो को फटाफट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। दोस्तों इस चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए सिंपली दोस्तों आप गूगल को ओपन कर सकते हो या फिर दोस्तों आप क्रोम ब्राउज़र को भी ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद सिंपली से आपको सर्च बार में क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको लिखना होगा tafcop.digitelecom.gov.in, सिंपली से ये लिखना होगा एंड इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, चाहो तो आप डायरेक्टली वहां से भी क्लिक करके यहां पे आ सकते हो। सिंपली से इसे आप सर्च करोगे एंड सर्च करने के बाद यहां पे सबसे पहला जो एक पोर्टल खुल के आएगा, सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना होगा एंड क्लिक करते दोस्तों सिंपली से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, इस तरह का कुछ पोर्टल खुल के आ जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो इंटर योर मोबाइल नंबर, तो सिंपली से यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर इंटर करो, वो फ़ोन नंबर इंटर करो जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, जिस आधार कार्ड के बारे में आप जानकारी निकालना चाहते हो। सिंपली से सबसे पहले आप अपना वो नंबर इंटर करो, नंबर इंटर करने के बाद सिंपली से रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने आपके उस नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, सिंपली से आप इस बॉक्स में वो ओटीपी को भर दो। ओटीपी को भरते ही सिंपली से आप वैलिडेट पे क्लिक कर दो एंड जैसे ही आप वैलिडेट पे बटन पे आप क्लिक कर दो, आपके सामने जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हो आपके सामने वो सारा नंबर निकल के आ जाएगा जो कि अभी करेंटली आपके आधार कार्ड के साथ, आपके आइडेंटिफिकेशन के साथ अभी दोस्तों रजिस्टर्ड है, अभी एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे में यहाँ पे 2 नंबर लिंक है, एक मेरा नंबर है, एक और नंबर लिंक है, तो मैं जानता हूँ कि मेरा ये जो नंबर लिंक है ये सही है, मैं अभी यूज़ भी कर रहा हूँ दोनों सिम को। अगर आपके केस में दोस्तों अगर ज़्यादा नंबर, अगर कोई ऐसा भी नंबर है कि दोस्तों आपने उसे शायद आपको लगता है कि वो नंबर ब्लॉक हो गया बट आप यहाँ पे देखते हो कि आपका वो सिम अभी तक वो यूज में, अभी तक वो एक्टिवेटेड है, अगर दोस्तों आप उसे बंद करना चाहते हो और करंटली अभी दोस्तों आप तुरंत ही इंस्टेंटली उसे बंद करना चाहते हो, तो नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट देखने को मिलेगा दिस इज नॉट माई, सेकेंड दोस्तों आपको लिखना है नॉट रिक्वायर्ड एंड थर्ड आपको देखने को मिलेगा रिक्वायर्ड। तो सिंपली से आपको अगर आपका सिम ये है तो पर करेंटली अभी वो एक्टिवेटेड नहीं है, आप जानते हो कि वो बंद हो चुका है बट आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि वो सिम अभी तक एक्टिवेटेड है, सिंपली से आप यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड के बटन पे क्लिक करोगे एंड जैसे ही आप नॉट रिक्वायर्ड के बटन पे क्लिक कर दोगे, मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ बिकॉज मैं अभी बता रहा हूँ, मैं जैसे ही आप नॉट रिक्वायर्ड के बटन पे क्लिक करोगे आपका एक कंप्लेंट राइज हो जाएगा डॉट के पास एंड डॉट इस पे एक्शन लेगा एंड करेंटली तुरंत वो कुछ एक्शन लेगा एंड इस सिम को दोस्तों ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह से आप दोस्तों चेक कर सकते हो कि आपका करेंटली कितना सिम एक्टिवेटेड है एंड कितना सिम दोस्तों अभी करेंटली आपका जो एक्टिवेटेड है वो यूज में है। अगर आपको ऐसा कोई सिम देखने को मिलता है, ऐसा कोई नंबर देखने को मिलता है जो आपके जानकारी में नहीं है बट वो सिम अभी एक्टिवेटेड है, तो सिंपली से जो आपको सेकंड बटन दिख रहा है नॉट रिक्वायर्ड पे आप क्लिक करके उस सिम को एक उस सिम के बारे में कंप्लेंट राइज कर सकते हो एंड आपका वो सिम बंद कर दिया जाएगा।
1 hour later. तो आई होप कि दोस्तों जो जो स्टेप वगैरह इस वीडियो में मैंने बताया, अगर उस सारी स्टेप को अगर अच्छी तरह से आपने देखा है एंड अच्छी तरह से फॉलो करते हो, तो मैं कह सकता हूँ गारंटी कि आप दोस्तों फ्यूचर में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को आने से पहले दोस्तों उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लोगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज इस चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहते हैं, हेल्पफुल एंड यूजफुल वीडियोज मिलते रहते हैं। एंड साथ ही दोस्तों अगर आपके मन में कोई और सवाल है, कोई और डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, उस कमेंट में जाओ, जो भी प्रॉब्लम है आप लिखो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। या फिर हो सके अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो और भी बहुत बंदे के साथ वो सेम प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बना के उस पर अपलोड कर दूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।